दीपावली को रोशनी का त्यौहार कहा जाता है और इस पवित्र मौके पर लोग अपने घरों को दीप जलाकर रोशन करते हैं। इन दिनों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में मिट्टी के दीयों और बर्तनों की जबरदस्त मांग बढ़ जाने से कारीगरों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखने को मिल रही है। इन उत्पादों की बढ़ी हुई बिक्री को लेकर कारीगरों ने संतोष जाहिर किया है। इस साल जो है 15-20 टन भेज चुके, रात महीने के में 2-3 गाड़ी लोड हो रही है। दीपावली से 2 महीने पहले से ये जा रहा है। अगले साल बहुत कम था, लेकिन इस साल बहुत तेज है, अभी आर्डर है। दीपावली की दस्तक के साथ ही बाजारों में मिट्टी के तरह तरह के बर्तन, दिए और मूर्तियां बिकनी शुरू हो जाती हैं। आधुनिकता के साथ साथ पारंपरिक दियों की जगह मिट्टी के डिजाइनर दियों ने ले ली है। अब दिए पूजा की थाली और भगवान की मूर्तियों के साथ आने लगे हैं। भले ही बाजार सस्ते चाइनीज सामानों से अटा पड़ा है, लेकिन फिर भी मिट्टी के दियों की बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बाजार में इस बदलाव से कारीगर भी खासे उत्साहित हैं। चाइनीज मार्केट प्रभाव से हम लोगों को उस पर कोई असर नहीं आता, क्योंकि अगर वो चाइनीज आ गया है तो उसके लिए हम लोग हाफ कलर चलाते हैं, वो चाइनीज को फेल कर देता है, तो इसकी कोई हम लोगों को चिंता फिक्र नहीं है। हाँ, दीपावली को हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या लौटे थे। इस मौके पर लोग दिए जलाकर खुशियां मनाते हैं। साथ ही दीपावली के अवसर पर धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।